हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। नई सोच, नई खोज और नई यात्रा के साथ मैं अताउल अंसारी हम आपको लेके चलते हैं। आज मिर्ज़ापुर के विजयपुर लेके चलते हैं। मिर्ज़ापुर के विजयपुर का इतिहास काफ़ी पुराना है। कन्नौज के महाराजा जयचंद की मृत्यु के बाद सन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के खिलाफ चंदावर की लड़ाई में उनके भाई राजा मानिकचंद की लड़ाई हुई, जिसके बाद राजा मानिकचंद कन्नौज से चल के कड़ेमानिकपुर में आके बसे और उनके उत्तराधिकारियों ने मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और वाराणसी के क्षेत्र के आसपास करीब 16 परगना पर कब्जा कर लिया। परगना कहते हैं कई गांवों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, मध्यकाल में परगना कहलाती थी। इसके बाद उनके 16वें उत्तराधिकारी राजा गुडन देव ने 1542 में शेर शाह सूरी के साथ युद्ध लड़ा और हार गए। फिर 16 परगना का गहरवार राज, कंतित, मांडा, कोहदार आदि कई छोटी छोटी रियासतों में बट गया। 1542 से कंतित, विजयपुर और मांडा नाम का राज्य अस्तित्व में आया। कंतित विजयपुर सबसे बड़ा था और गहरवारों की मुख्य संपत्ति थी। राजा युवराज सिंह ने 1681 ईस्वी से 1701 ईस्वी तक कंतित विजयपुर के राज पर राज किया। उन्होंने अपनी राजधानी कंतित, जो पहले कंतित हुआ करती थी, से 1690 ईस्वी के आसपास कंतित से ट्रांसफर करके विजयपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो आप कह सकते हैं ये विजयपुर एक समय में राजधानी हुआ करती थी। राजा युवराज सिंह के बाद राजा अनूप सिंह 1701 ईस्वी में कंतित विजयपुर के राजा हुए। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य की बेहतरी के लिए, व्यापारी समुदाय के लिए बहुत अधिक काम किया। राजा अनूप शाह के प्रयासों के कारण ही 17वीं शताब्दी में गिरजापुर, आज का मिर्ज़ापुर का विकास में अर्थव्यवस्था ने कमाल किया और बनारस के बाद अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर आया।